Good morning students, welcome to my next class. Now, in today's class, we are going to discuss our exercise 2.4. In the last class, we discussed what is remainder theorem and discussed our exercise 2.3, in which we have determined that the following polynomial is a factor of another polynomial or not. Now, in this exercise, we have to do the same thing. बट इसमें कुछ क्वेश्चंस वही उसी रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है, वैसे ही फैक्टर्स निकालने, बस थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो अलग है, ठीक है। बाकी पूरा प्रोसेस जो हमारा रहेगा वो सेम रहेगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज एक्स प्लस वन ऑफ फैक्टर। मतलब ये जो पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है, इनमें से किसका एक्स प्लस वन एक फैक्टर है। अगर मुझे पता लगाना है कि एक्स प्लस वन इनमें से किसका फैक्टर, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल पुट करूंगी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन, ठीक है। उस माइनस वन को इसमें रख के देखूंगी, जिसमें रखने पे एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, जिसमें रखने पे आंसर जीरो आ जाएगा, उसका एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन जो हमारा है वो क्या रहेगा, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस वन, एक्स की वैल्यू रखनी मुझे माइनस वन। ये मेरा पी एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एक्स जगह मुझे क्या पुट करना है, माइनस वन, पी माइनस वन, माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन, ठीक है। पी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन का क्यूब, मैंने क्या बताया था, माइनस हो और पावर ऑड हो तो आंसर हमेशा माइनस में आता, तो माइनस वन ही रहेगा, प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, प्लस माइनस माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, कितना बचा, जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रखने पे इसका आंसर जीरो, रिमाइंडर जीरो है, और जब रिमाइंडर जीरो बचे डेट मीन्स क्या कि वो पूरा पूरा उसको जो है वो डिवाइड कर रहा है। सो एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब एक्स प्लस वन ही चेक करना है हमको, तो वापिस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन। पी एक्स मतलब पॉलीनोमियल एक्स पर ही बन रहा है सारा, तो क्या गिवन है मुझे, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वन, मुझे एक्स रखना है माइनस वन, पी माइनस वन कितना आएगा, माइनस वन की पावर फोर प्लस माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, पी माइनस वन माइनस में है लेकिन पावर क्या है, इवन है, तो आंसर क्या आएगा, प्लस वन। माइनस है ऑड पावर, माइनस वन ही आएगा, वापस वही प्लस वन और ये प्लस वन, वन प्लस माइनस, माइनस वन प्लस वन प्लस वन, वन माइनस वन कैंसिल रहेगा, बचेगा वन प्लस वन दैट इज टू। सो अब रिमाइंडर जीरो नहीं है, दैट मीन्स कि रिमाइंडर जीरो नहीं बच रहा, तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा। सो एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। इसी के पार्ट्स बच रहे हैं अभी, हमको इसके पार्ट्स कंप्लीट करने पहले। ये मेरा स्क्रीनशॉट मैं लॉक कर रही हूं, ठीक है। नाउ हमारा जो थर्ड पार्ट है इसका वो है, एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। वही क्वेश्चन सेम है, उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो देखो, एक्स प्लस वन चेक करना था, एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या है, उसे निकालने की जरूरत नहीं, बाबा की मैं फिर भी समझाने के लिए यहाँ पे नोट कर रही हूँ। हमारा पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल है, वो क्या है, एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस
वन. अब मुझे एक्स स्क्वायर क्या रखना है, माइनस वन. तो पी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर फोर प्लस थ्री माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री वन का सॉरी माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन थ्री माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन. ठीक है, अब देखो पी माइनस वन क्या आएगा, माइनस है पावर इवन है तो माइनस वन का क्या हो जाएगा प्लस वन प्लस थ्री. माइनस है पावर ऑड है तो क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस थ्री इंटू वन प्लस माइनस वन प्लस वन. इतना कहीं कैंसिल देंगे. ठीक है, क्या बचेगा वन प्लस थ्री वन तो थ्री माइनस का थ्री माइनस का थ्री प्लस का थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसिल देंगे. ठीक है, तो क्या बचेगा वन. तो हमारे बेटा जीरो नहीं बचा यहाँ पे भी. सो एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका फैक्टर नहीं. ठीक है, तो नोट कर लो, मैं नेक्स्ट लास्ट जो पार्ट बच रहा है इसका वो करेंगे. नाउ इसका फोर्थ पार्ट जो है वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू. ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए, वापस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन. ठीक है, पी एक्स मेरे पास क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू. पी रखना है मुझे माइनस वन, माइनस वन का क्यूब माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू मल्टीप्लाई में माइनस वन प्लस रूट टू. माइनस वन का क्यूब कितना हुआ माइनस वन, माइनस माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस टू प्लस रूट टू को मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में सब कुछ चल रहा है, वन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये साइन प्लस का हो जाएगा और ये प्लस रूट टू. ठीक है, तो देखो माइनस वन माइनस माइनस प्लस तो माइनस टू प्लस ब्रैकेट खोला प्लस टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू माइनस टू प्लस टू कैंसिल जाएगा रूट टू प्लस रूट टू मतलब टू रूट टू. तो जीरो नहीं बच रहा मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं है. सो एक्स प्लस वन जब रिमाइंडर जीरो बचेगा जो आंसर जो यहाँ पे आता है वो रिमाइंडर होता है. रिमाइंडर जीरो नहीं है डेट मीन्स वो उसका फैक्टर ही नहीं है. जैसे टू थ्री या सिक्स जब मैं डिवाइड करूंगी सिक्स को टू से तो रिमाइंडर क्या बचता है जीरो. डेट मीन इट इज अ फैक्टर ऑफ सिक्स. यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या है जीरो नहीं बच रहा है. सो एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ क्या था एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू. कर लो उसको, फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. हाँ लीनियर स्क्रीनशॉट इसका मैं लॉक करी. ठीक है बेटा, कुछ नहीं है सिंपल रिमाइंडर से हमको पता है कि जब भी हम कोई पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू जीरो रख के हमारा आंसर निकालते हैं तो जो आंसर आता है वो रिमाइंडर होता है और रिमाइंडर जीरो डेट मीन्स उसका मल्टीपल है या फैक्टर. हम दोनों चीजें बोल सकते हैं. मल्टीपल के लिए हम ये चीज करते हैं जो सेम यहाँ कर रहे हैं फैक्टर देखने के लिए. ठीक है, तो वही चीज हम लोग मल्टीपल के लिए देखते हैं और वही चीज हम फैक्टर के लिए देखते हैं. जीरो आ गया डेट मीन्स फैक्टर या मल्टीपल है और जीरो नहीं आया तो वो नहीं है. ठीक है, सबसे सिंपल चीज है, बस ध्यान से वैल्यू पुट करनी होती है
और साइन का ध्यान रखना, मतलब भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको वर्बली बोल देती हूँ, सॉरी मैं फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर कर रख दिया। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें वेक्टर थ्योरम यूज करनी है, बताना है कि जीएक्स जो है वो पीएक्स का फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ, क्वेश्चन आप पढ़िएगा, बताना है कि जीएक्स पीएक्स का फैक्टर है या नहीं है। पीएक्स जो है हमारा इज इक्वल्स टू 2x³ + x² - 2x - 1 और जीएक्स जो है मतलब x+1 है, जीएक्स मतलब इससे डिवाइड करना है। तो वही सेम टू सेम चीज, इसको इज इक्वल्स टू 0 पुट करूंगी, x+1 इज इक्वल्स टू 0, तो x के लिए क्या होता है कि माना कि -1 हो जाएगा, ठीक है। px मुझे यहाँ गिवन है, यहाँ पर ऑलरेडी px लिखा होता है, वापस नहीं इसको रिपीट कर रही। अब x के लिए क्या पुट करना है, -1, तो क्या हो जाएगा, 2x³ है ना, तो 2 - 1 का क्यूब प्लस x² मतलब -1 का स्क्वायर -2x, तो 2x की जगह -1 और ये -1, ठीक है। माइनस वन का क्यूब -1 होगा, तो 2 × -1 प्लस -1 का स्क्वायर +1 -1 प्लस 2 × 2 - 1 प्लस 1 - 1 कैंसिल, 2 × 2 माइनस का 2 आएगा और ये प्लस का 2 0। तो यस लिख देना है यहाँ पे x+1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ + x² - 2x - 1। नाउ योर सेकेंड पार्ट इज px इज इक्वल्स टू x³ + 3x² + 3x + 1 और gx जो आपका है वो x+2 है, ठीक है। तो वही करना है, देखो क्वेश्चन पूछा था कि बताना कि gx किसका फैक्टर है या नहीं है, जिसके बारे में पूछा था कि वो फैक्टर है या नहीं उसी को हमेशा इक्वल्स टू 0 पुट करना है, ठीक है। तो gx इज इक्वल 0 पुट करूंगी, तो gx क्या है, x+2 इज इक्वल्स टू 0, तो +2 लगे -2, तो मुझे पी एक्स लेयर में -2 x³ - 2 का क्यूब 3x² 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 3x 3 - 2 और ये +1 2 × 4 = 8 माइनस है और पावर कैसी है और, तो -8 +3 2 × 4 इवन पावर तो प्लस में आंसर 3 × 6 ± -6 +1 -8 प्लस 4 × 3 = 12 ± -6 +1। देखो पहले मैं माइनस माइनस लेती हूँ, -8 - -6 कितना होता है -14 प्लस 12 + 1 कितना होता है 13, तो ±, 14 - 13 1 डिजिट बड़ी माइनस की तो -1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये फैक्टर नहीं है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका लास्ट और थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट करते हैं हमारा। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, दिट इज थर्ड पार्ट, px इज इक्वल्स टू x³ - 4x² + x+6 और जिसमें gx जो है वो है x - 3, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, gx इज इक्वल्स 0 पुट किया मैंने, दैट मीन्स x - 3 को इज इक्वल्स टू 0 पुट किया, -3 लगे वहां किसका हो जाएगा प्लस का 3, तो मुझे अब x के लिए रखना है 3 रखना है x³ मतलब 3 का
क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर थ्री का स्क्वायर प्लस एक्स मतलब थ्री और प्लस सिक्स थ्री थ्री नाइन नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन माइनस फोर थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस सिक्स प्लस थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन फोर जा थर्टी सिक्स प्लस नाइन इन दोनों को प्लस को दो प्लस के है जो थर्टी सिक्स इन दोनों प्लस करो कितना आएगा तुम कहो तो मैं ऐसे कर देती हूँ कोई दिक्कत नहीं मुझे एक स्टेप बढ़ाने में 27 प्लस 9 36 माइनस 36 इज इक्वल्स टू जीरो तो यस ये फैक्टर जी एक्स जो है वो पी एक्स का फैक्टर है लैंग्वेज अपने आप लिख देना ठीक है तो आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट क्लास में हम इसका थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करेंगे आपको ढंग से इसको समझना है कुछ नहीं है सब चीजें बेसिक चल रही है यहाँ पे कुछ नया फॉर्मूला अप्लाई नहीं है कुछ नया इसके अंदर कोई टॉपिक नहीं आया है सो आराम से करना आराम से हो जाएगा ठीक है आई होप यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच